आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। जीवन धारा रक्तदान ग्रुप ने लगाया आपातकालीन रक्तदान शिविर। कोरोना संक्रमण के कारण पूरा जिला सहित प्रदेश और देश लॉकडाउन में घरों में कैद है। नागरिक घरों से बाहर नहीं निकल रहे, साथ ही हर कोई कोरोना के डर के कारण रक्तदान करने से भी डर रहा है और अस्पताल में रक्तदान करने में संकोच करते हैं, जिसके कारण ब्लड बैंक में रक्त की अल्पता होने लगी। इसे देखते हुए जीवन धारा रक्तदान ग्रुप एवं ह्यूमन सोशल फाउंडेशन मनावर के समाज सेवियों द्वारा इस महामारी के बीच अन्य लोगों को जिंदगी बचाने के लिए 25 लोगों को रक्तदान कर एक नई मिसाल पेश की गई। रक्तदान शिविर में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया गया। ग्रुप के संचालक शुभम कुशवाहा ने बताया कि वो और उनके मित्रों ने साथ मिलकर लगातार लोगों को रक्तदान और प्लाज्मा दान करने के लिए जागरूक किया। कुशवाहा ने बताया, कोरोना के इस काल में हमारे संस्था रक्तदान और प्लाज्मा दान से संबंधित हर तरह की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शिविर के अंत में धार ब्लड बैंक द्वारा संस्था को सम्मानित किया गया। शिविर में उपस्थित उपसंचालक रोहन कुशवाहा, धर्मेंद्र राजपूत, शिवम कुशवाहा, आनंद कुशवाहा एवं धार ब्लड बैंक टीम ने पूर्ण सहयोग दिया। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। आज दिनांक 25 अप्रैल को जीवन धारा रक्तदान ग्रुप द्वारा इस कोरोना महामारी के बीच एक आपातकालीन रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया, जिसमें कुल 25 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस गंभीर महामारी के बीच जहां लोग अपने घरों से निकलने से डरते हैं, ऐसी स्थिति में जीवन धारा रक्तदान ग्रुप के द्वारा एक रक्तदान शिविर लगाया गया, जो कि संपूर्ण तरीके से सफल रहा। थोड़ा जोर से रक्तदान महादान। रक्तदान करने से आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप सभी भी अपने घर से निकलें एवं रक्तदान अवश्य करें।